खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। महिला परिषद ने किया वर्षी तप तपस्वियों के ब्यासने का बृहद आयोजन। इंदौर आवासीय राजेंद्र जैन महिला परिषद जूनी कसेरा बाकल इंदौर ने चातुर्मास विराजित पूज्य साध्वी विज्ञान लता श्री जी मसा आदि थाड़ा तीन की निश्रा में इंदौर शहर के कालिनी नगर एवं गुमास्ता नगर में सामूहिक रूप से चल रहे 172 वर्षीय तप के आराधकों के एक दिवसीय ब्यासने का आयोजन श्री संघ एवं महिला परिषद के उदारमना सहयोगियों की सहायता से राजेंद्र आराधना भवन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव श्री मृत्युंजय राजेंद्र सूरीश्वर जी के चित्र के सम्मुख संस्था अध्यक्ष जैन अंतिम नरेंद्र राठौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राखी रांका प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा सुराणा विशेष अतिथि प्रीति कोठारी एवं आयोजन के संयोजकों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कालानी नगर श्री संघ में चल रहे सामूहिक वर्षी तप के मुख्य लाभार्थी कमलेश प्रीति कोठारी का बहुमान ट्रस्ट मंडल के सचिव अनिल सकलेचा नीरज सुराणा सुरेंद्र सुराणा राजेंद्र उड़वाल तेज कुमार बम्बोरिया रवि रांका जैन नरेंद्र राठौर पंकज कटारिया द्वारा किया गया। आयोजन की संयोजक थी पूनम जैन मंजुला सकलेचा रेखा सुराणा वीणा मेहता अंजिता जैन। कार्यक्रम का संचालन हीना सकलेचा ने किया। उक्त आशय की जानकारी संस्था अध्यक्ष जैन अंतिम नरेंद्र राठौर। क्या विशेष आयोजन हो रहा है? सादर जय जिनेन्द्र। आज 27 अगस्त को हमें पुण्य लाभ मिला है। कालारी नगर में जो 120 के लगभग तपस्वी हैं, 108 जो वर्षी तप की तपस्या कर रहे हैं, साथ ही साथ गुमास्ता नगर सिमंदर स्वामी मंदिर में जो ये तपस्या कर रहे हैं, उन दोनों जॉइंट संघ के जो तपस्वी हैं उन सभी का यहाँ पर वर्षी तप पाड़ने का ब्यासना है, जो कि हमारी अखिल भारतीय राजेंद्र जैन महिला परिषद जूनी कसेरा बाखल ने आयोजित किया है और संघ का पूरा सहयोग परिषद संस्था को है। आज सभी तपस्वी आए हैं, मन बहुत हर्षोल्लास से। साथ ही हमारे भाई कमलेश जी कोठारी, जो कि वर्षी तप में पूरे वर्ष भर पांडे के संपूर्ण लाभार्थी, आज यहाँ पर हमारे महिला परिषद के संघ के निमंत्रण पर पधारे हैं और ये आपके चरण यहाँ पड़े, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपका परिचय? अनिल सकलेचा, विस्तृतिक श्री संघ इंदौर से मैं बोल रहा हूँ। देखा जाता है कि लाभार्थी अनेक प्रकार के बनते हैं, पर आप इस प्रकार के लाभार्थी बने, इसमें अलग ही पुण्य का खेल होता है ना? पुण्य का उदय होता है, हमारे कर्म का क्षय होती है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, ये कोई हमारी पुण्यवानी होगी जो लाभ ईश्वर गुरु कृपा से हमारे परिवार को मिला है। और 108 तपस्वी का जो रोज रोज ब्यासने का अवसर मिलता है, मैं ईश्वर को गुरु भगवंत को धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके आशीर्वाद से मैं हमारा श्री संघ के जो ट्रस्टी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं और तपस्वी के बिना ये कार्य संभव ही नहीं था। और तपस्वी का इतना बढ़िया कॉपरेशन है हमारे को कि हमको पता ही नहीं चलता कि आज 5.5-6 महीने हो गए। आपका परिचय दीजिए। मैं कमलेश कोठारी, कालानी नगर श्री संघ। बताइए, यहाँ पर जो व्यवस्था है आपकी संघ की काफ़ी अच्छी चल रही है और देखने में आ रहा है कि बहुत ही अद्भुत व्यवस्था चल रही है। ऐसी बड़ी तपस्या यहाँ पर चल रही है, बिल्कुल लोग निर्मल होकर बिल्कुल यहाँ पर तपस्या का लाभ ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ साध्वी जी श्री विज्ञान लता श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा तीन का चातुर्मास है, उनकी प्रेरणा से महिला परिषद जूनी कसेरा बाकल शाखा ने विविध धार्मिक आयोजन किए। आज इन्होंने आयोजन ये कार्यक्रम संयोजित किया क्योंकि सामूहिक रूप से कार्यक्रम करने में उत्साह और उमंग अलग होता है, सबके वाइब्रेशंस अलग होते हैं और सभी परिषद परिवार नवयुवक परिषद सभी ने मिलकर संघ के सहयोग से ये कार्य किया है। और मैं नीरज सुराणा, प्रस्तुतिक श्री संघ। कोई भी काम करते हैं तो जनरली महिला का बड़ा रोल रहता है और आपने यहाँ तो देखा है तो बिल्कुल कुंभ लगा रखा है और बिल्कुल तब के बाहर बह रही है, क्या कहेंगे आप? मेरे को कालानगर श्री संघ में वर्षी तप करते करते 5 महीने हुए, वहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना कमलेश भैया तो पूरे साल का लाभ ले रहे हैं, क्यों ना हम एक छोटा सा लाभ लें, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमने बुन बुन से गड़ा भरा है, तो हम कमलेश भैया जैसे नहीं हैं, तो हमने सोचा कि हम बुन बुन से गड़ा भर के क्यों ना एक दिन का लाभ ही लें, तो सामूहिक रूप से ना इंदौर लेवल पे लें, हमने ये सोचा और हमने श्री संघ से रजा ली, हमारे श्री संघ ने हमें सहर्ष रजा दी उसकी, तो उस वजह से और श्री संघ का बड़ा सपोर्ट रहा हमको, तो हम उस वजह से आगे बढ़े और हमने इस कार्य को पूरा अच्छे से अंजाम देने की कोशिश की। आपका परिचय दीजिए। मैं जैन अंतिम नरेंद्र राठौर। बताइए, आज यहाँ पर जो लगभग जो लाभार्थी है और जो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं,
इनको लगभग कितने आप आहार की करवा रहे हैं, कितने प्रकार के आहार करवा रहे हैं?